जय श्री राधे। वेलकम टू रंग ग्रुप कनक रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। हमारे अंगूठे के प्रथम क्षेत्र में कुछ रेखाएं उपस्थित होती है। बहुत सारे लोगों की हथेली में आप देख लेंगे कुछ अस्पष्ट चिन्ह होते हैं, कुछ लोगों में टूटे हुए होते हैं, कुछ लोगों में कुछ खास सिंबल्स आपको दिखाई दे जाएंगे। इन सब का बड़ा प्रभाव है और हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे नज़रिए पर, हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर इनका बड़ा असर दिखाई देता है। खासकर अगर देखेंगे तो आपके जीवन में फिनांस से संबंधित यानी कि आर्थिक पक्ष जो आपका है वो भी यहाँ से आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं। साथ ही आप कितने आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे, कितनी सफलता के योग आपके लिए बनेंगे, भाग्य कितना साथ देगा, उसे भी आप यहाँ से काफी हद तक जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बाहरी जो रेखाएं हैं उनके संबंध में चर्चा करेंगे। कई बार आप देखेंगे कि शुक्र के क्षेत्र में कुछ रेखाएं होती है जो कि आर पार आड़ी तिरछी स्थिति में यहाँ पर मौजूद होती है, कुछ सीधी खड़ी स्थिति में यहाँ पर मौजूद होती है। इसमें आपने देखना है कि जहाँ से अंगूठे का ये भाग शुरू हुआ, वैसे सामान्य तौर पे मैं बता दूं कि अंगूठे का भाग आपको इस तरीके से देखा जाना चाहिए। नीचे वाला जो पूरा है ना, ये सब अंगूठे का ही पार्ट है। तो आपको माफ कीजिएगा, इस बाहरी क्षेत्र में जब भी रेखाएं यहाँ से आके और इसकी तरफ बढ़नी शुरू हो जाए, यानी कि जो अस्पष्ट अंगूठे का क्षेत्र है उसकी तरफ जब भी इनकी घुसपैठ बढ़ जाए, तो समझ जाओ निश्चित तौर पर इस जातक के लिए आने वाले समय में विस्तार उनकी चीज़ों का करने वाला है, उनके लिए परिस्थितियों को उनके अनुकूल करने वाला है, आपके लिए संभावनाओं के द्वार को खोलने वाला है। इसमें दो चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ा क्या होता है कि ऐसी स्थिति में बंदा रिस्क लेना शुरू करता है। वो जीवन में डरते डरते जो अब तक कर रहा था उससे थोड़ा बाहर निकलता है अपने वो अंडे के कोठरे से और बाहर निकल के कुछ करना चाहता है। उस समय क्या होता है कि वो ये ज़्यादा परवाह नहीं करता कि चीज़ें कहाँ जाएंगी, क्या होगा। नहीं, मैंने मेहनत करनी है, मैंने जो अपना प्लान करा है उसके अकॉर्डिंग मुझे आगे बढ़ना है। बंदा बढ़ता है और वहाँ पर फिर उसे क्या है कि सफलता की ओर मिलते चले जाते हैं। लेकिन कब मिलेगी ये भी देखना है। हमेशा तो सफलता नहीं मिलती, कई बार आपको उसके परिणाम देखने को मिल जाते हैं। अब क्या है उसके लिए, तो आप पूरी हस्तरेखा का विश्लेषण उस समय कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस क्षेत्र से अगर पता करना है तो यहाँ पर देखना होगा कि जो प्रथम धाड़ी है ना, एक तरीके से बहुत सारे लोग इसे वलय भी कहते हैं, ये पूरी है या नहीं। ये अगर मध्य में कहीं भी टूटी हुई है, कहीं भी खंडित है या कहीं भी इसने क्रॉस इसे किसी ने किया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपको चौकन्ना रहना है। ऐसी स्थिति में आप आगे तो बढ़ जाएंगे लेकिन खतरा हमेशा आपके साथ चल रहा होगा, स्पीड ब्रेकर हमेशा आपके साथ चल रहा होगा, आपको संभल के चलना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर ये रेखाएं बिल्कुल सीधी अस्पष्ट स्थिति में नीचे तक आ रही हो, कहीं से भी टूटी न हुई हो, जागृत अवस्था में हो, तो ऐसे में क्या होगा, जातक के लिए सफलता के योगों को काफी ज्यादा बेहतर करने का, अस्पष्ट करने का काम करेगी। इसके अलावा जैसे कि सतीली में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर त्रिभुज की स्थिति भी साथ में बन पड़ी है। ये बहुत ही शुभ चिन्ह है, ये स्थायित्व को बढ़ाती है, ये आपके लिए मौकों को जो है और भी बेहतर और आपके हक में करने का काम करती है और संभावनाएं आपके साथ साथ यहाँ पर चलती है, अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है और उसे लाभ भी आपको आने वाले समय में स्पष्ट तौर पे दिखता है। लेकिन प्रथम और द्वितीय, जैसे कि ये द्वितीय रेखा है, बहुत सारे लोगों में छोटी होगी, बहुत सारे लोगों में बड़ी होगी, ठीक है। जब भी ये छोटी हो तो निश्चित तौर पर एक रेड साइन है, ऐसी स्थिति में काफी मानसिक तनाव आपको झेलना पड़ता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है। लेकिन अगर ये बड़ी अवस्था में है तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। छोटी में भी देखना है कि कितनी ज्यादा प्रभावी है, अगर कम प्रभावी होगी तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा प्रभावी होगी तो छोटी रेखा में भी बड़े नुकसान करती है। अब यहाँ पर देखिए मध्य में जो रेखाओं की स्थिति है, त्रिशूलाकार स्थिति को ये दर्शाने का काम कर रही है। ये बहुत ही सुंदर है और खासकर देखेंगे बाईं की तरफ यहाँ पर जा रही है, यहाँ पर ये रेखा बहुत ही प्रभावी है और आपके जीवन को स्थायित्व के साथ साथ बेहतर धन के साथ साथ समाज में एक अच्छा नाम भी देने का काम करती है और ऐसे लोगों की बौद्धिक क्षमता का विकास बड़ा तीव्र होता है, लॉजिक इनके पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होते चले जाते हैं। इसके साथ ही ऊपरी क्षेत्र में जब भी बुधाई जैसी कंडीशन बनती है तो ये हमेशा किसी के लिए भी, इस पर हमारे कई सारे वीडियोज हैं उसके द्वारा आप जान सकते हैं, हमारे जीवन में मुश्किलों को दूर करके हमारे लिए संभावनाओं का द्वार खोलते हैं, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाते हैं, हमारे जीवन को बेहतर स्थिति तक ले जाने में काफ़ी हमारा सहयोग करते चले जाते हैं। अब यहीं पर आप देखेंगे कि कुछ रेखाएं बाहर की तरफ होंगी, ऐसा होना भी यहाँ पर बहुत अच्छा है और संतान भाव से जातक को यहाँ पर काफ़ी धन की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर सोने का कुछ ना कुछ धारण करना चाहिए, उससे भी लाभ की स्थिति बनती है। इसके अलावा भी इसके कई सारे फायदे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब इस मध्य में या ऊपर जो बाहरी क्षेत्र है उस मध्य में कहीं भी छोटी छोटी रेखाएं अगर इस प्रकार से चले तो ऐसे में आप समझ जाओ कि कई बार आपको काफी चिंता देगी, हेडेक देगी, पेट से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित समस्याओं को बढ़ाने का काम करेगी। अब ये सब निर्भर करता है इसके प्रकार पर भी कि प्रकार कौन सा है।
अंगूठा कितना लचीला है, कितना हार्ड है, कितना बड़ा है, छोटा है, उसके आधार पर भी परिस्थितियां बदलती हैं और उसके नतीजे आपको बदल के देखने को मिल सकते हैं। मिलते हैं फिर कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।